वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का व्लॉग जो होने वाला है ये जस्ट नॉर्मल व्लॉग है। इट्स जस्ट अ संडे दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ माय डे गोज। सो स्ट्रेटली हम आए थे यहाँ पे मार्केट में कुछ लेने के लिए। एक्चुअली मुझे जो लेने थे हैंगर्स वो यहाँ पे नहीं मिले। मैं एक शॉप में गई थी, अभी ये वाली शॉप में देखना पड़ेगा कि इफ आई गेट द हैंगर्स और नॉट। हाँ ऐसी में ना उसको शादी चाहिए थी, ऐसी ओवल में। We are here in the mall and we are shopping something for our home. Actually, घर का थोड़ा सामान लेना था। डालो। So guys, we are done with the shopping. थोड़ी बहुत shopping की हमने, बस घर का सामान लिया है, that's it. नहीं, now we are going to have some mummy क्या? शुगर केन जूस। तो यस नाउ वी आर गोइंग देयर। वी आर एट छावनी टी पॉइंट एंड यहाँ पे एक फ्लावर शॉप है जो कि आप देखोगे इट्स लाइक राइट दैट साइड। प्लीज गाइज यहाँ से आके फ्लावर्स लीजिएगा, बहुत क्यूट सी दुकान है एंड लाइक रीजनेबल रेट्स है एंड इतना कोई कॉस्टली नहीं है, तो प्लीज यहाँ पे आके लीजिएगा फ्लावर्स। सो गाइज ये फ्लावर्स है जो हमने हमारे कजिन के लिए लिया है, बिकॉज उसका बर्थडे है आज। कैसा लग रहा है संडे को बाहर घूम के इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा, पूरे रास्ते खाली खाली है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। हाँ। जो भी कुछ लेने के लिए जाओ वहाँ भीड़ नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पाइनएप्पल, वी हैव अ जूस हियर। मम्मी ने लिया है पाइनएप्पल, मैंने लिया है मौसमी। सो गाइस इट्स 6 o'clock एंड वी आर बैक होम एंड लेट मी जस्ट शो यू थोड़ा बहुत सामान जो मैंने लिया है। A few inches later. So it's like a mini haul. Thing that I bought is these bindis because साड़ी पे लगाने के लिए लगता है तो I love bindis. ये मॉम के लिए थी एंड उसकी ज़्यादा है एंड मेरी कम, सो ये तीन उन्होंने लिए। एंड दीज आर द इयर रिंग्स, ये मेरे मॉम ने लिए हैं। लेट मी जस्ट शो यू, ये इयर रिंग्स मुझे इतने प्रिटी लगे ना। एक्चुअली मेरे मॉम्स को ऐसे टॉप वाले इयर रिंग्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, सो दीज आर द इयर रिंग्स माई मदर बॉट। एक और इयर रिंग्स है एक्चुअली ये वाले जो उन्होंने लिए हैं एंड दिस वॉज लाइक रियली इतना कॉस्टली नहीं थे, मुझे बहुत अच्छे लगे तो हमने ले लिया। सो ऐसे कुछ इयर रिंग्स हैं एंड अच्छे थे लाइक, सो वी बॉट दिस वन एंड आई हैव बॉट दिस नेल पेंट क्योंकि काम पड़ता है इसका, सो आई हैव बॉट दिस वन। देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव बॉट इज दिस ज्वेलरी। ये मैं आपको ओपन तो नहीं करके बताऊंगी, अगर मैंने किसी ओकेजन में पहना है तो आपको पता चल जाएगा ये वही वाली है। इट वॉज लाइक ब्लैक कलर का है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, मतलब
ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो होती है, ये कौन से भी कुर्ती हो गई, साड़ी हो गई, सब पर ही अच्छा लगता है. सो आई हैव बॉट दिस एंड यस लेटेस्ट एडिशन. ये न्यू टीवी है जो अभी कुछ दिनों पहले आई है. एक और बहुत सुंदर सा सेट है, लेट मी शो यू. आई मीन दिस इज द सेट दैट माई मॉम बॉट. इट्स लाइक रियली प्रिटी. कभी कभी मैं भी ट्राई कर सकती हूँ. यस, मैंने अपने लिए डायरी ली है. लाइक एज यू ऑल नो आई लव स्टेशनरी. सो यस, ये एक नोटबुक है दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ. किसी भी चीज़ के काम आ जाता है, कुछ लिखना है या कुछ भी हो, सो उसके काम आ जाता है. सो दिस वन आई बॉट एंड दिस इज़ अ डायरी दैट आई बॉट फॉर माई यूट्यूब, क्योंकि जो पुरानी वाली थी वो फुल हो गई है एंड ये वाली मैंने अभी ली है. एक्चुअली जो लास्ट वाली जो डायरी थी वो ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि एज यूट्यूब डायरी मैं यूज़ करूँगी. वो मेरी बहुत पुरानी एक डायरी थी एंड बस उसी को मैंने यूज़ कर लिया था यूट्यूब के लिए. थोड़े से पेजेस बचे थे लास्ट के. सो यस, वो फुल हो गई है. दैट इज़ वाई दिस. ये जो स्पाइरल बाइंडिंग वाले बुक्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं. सो यस, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव बॉट इज दीज ऑर्गेनाइजर्स. ये लाइक ऑर्गेनाइजर्स है, ये ज्वेलरी एंड ऑल रखने के लिए चाहिए थे क्योंकि बहुत सारा मेस हो गया है. ये उनके ढक्कन एज ऑब्वियसली. द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज दिस पॉकेट परफ्यूम. इसका सेंट लाइक बहुत सुंदर है. यू कैन श्योरली गो फॉर दिस फ्रॉम एंगेज. एंड द लास्ट थिंग दैट आई बॉट इज दिस. एक्चुअली ऊपर वाले बाथरूम का ख़त्म हो गया था तो इसलिए ये के लिए हैंगर्स भी लिए हैं. थोड़ा सा मुझे कम पड़ रहे थे तो मैंने ले लिए है. ये तो यूज़ आपको पता है क्या होता है. सो यस, दीज आर द हैंगर्स. One eternity later. So next thing that I bought is these dry fruits. Cause थोड़ा सा health पर अभी ध्यान देना पड़ेगा मुझे, ऐसा मुझे लगता है. So yes, these are dry fruits. I know बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए. Actually मेरा ड्राई फ्रूट्स के साथ बिल्कुल नहीं बनता. आई डोंट नो, मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद. लाइक बिल्कुल नहीं पसंद मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद. सो बादाम मैं कैसे तो भी खा लेती हूँ, कॉज बादाम एंड किशमिश. अदरवाइज अदर देन दैट आई डू नॉट ईट एनी ड्राई फ्रूट्स. यस, ये घर के लोग खाएंगे ऑब्वियसली. एंड दिस इज ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, खारीक. एंड इसे हिंदी में खारीक कहते हैं. इसे क्या बोलते हैं, कहते हैं, मैं नाम यहाँ पे ऐड कर दूंगी इसे क्या कहते हैं. सो दिस इज दिस. एंड यस, वी हैव ऑल्सो बॉट दीज डब्बास क्योंकि किचन में काम पड़ता है इसका. सो वी हैव बॉट दीज डब्बास. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव बॉट इज, यू ऑल नो वॉट दिस इज, अवन के ग्लव्स. सो यस, दैट्स इट फॉर द मिनी व्लॉग. So yes, that's it for the mini haul. And yes, guys, bus. Itna hi liya. So yes, that's it for the video, guys.